सलाम अलैकुम, आपका स्वागत है सास भोग के किचन में। तो अम्मी आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? अस्सलाम अलैकुम, आज बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए चिकन कांडी। चिकन कांडी बनाने जा रहे हैं अम्मी? आज हमारे बच्चे बोले दादी ये बनाओ, तो आज हम वो बना रहे, तो हमने कहा आप लोग के साथ ये रेसिपी भी हम शेयर कर दें। एक चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे इसमें, थोड़ी काली मिर्ची डालेंगे, हल्की सी काली मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप जितना खाते। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तीन चम्मच समझ लीजिए कॉर्नफ्लोर। ये पैरी पैरी मसाला ये जाएगा इसके अंदर, इसमें तो सब मसाले होते हैं, ये बहुत स्पाइसी होता है, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस ये पैरी पैरी मसाला डालना है। तीन चम्मच चार चम्मच हमने डाले इसे, और ये पाव किलो गोश्त है हमारा। और आधा नींबू, इसको मिला लेंगे हाथ से। इसमें कलर थोड़ा जाएगा, फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे इसमें, देखिए थोड़ा सा कलर डालेंगे इसमें। अगर आपको नहीं डालना है तो आप मिर्ची डाल दिए, कश्मीरी लाल मिर्ची। और ऐसी छोटी छोटी बोटी हमने कर ली है, इसको छोटी छोटी ऐसी बोटी कर ली है, इसको काट के ये हो गया। कम से कम इसको आप एक घंटा रखिए, एक घंटा मसाला ऐसा लगा के और रख दिए, उसके बाद आप तिनके में लगा के इसको तलिए, तभी इसको रख देंगे हम आधा घंटे के लिए। देखिए मसाला इसमें हम निकालेंगे प्लेट में, पतीली में हमारे मसाला है अभी नीचे, मसाला है अभी नीचे। इसमें हम शिमला मिर्ची बारीक बारीक काट के रखे थे, ये शिमला मिर्ची देखिए ऐसे टुकड़ों में, और ये प्याज लेके ये हमने ऐसे टुकड़ों में काटी है, ये इसको मिला लेंगे। ये मसाला आपको पैरी पैरी मसाला आपको कहीं भी मिल जाएगा, किराने स्टोर में, बिग जो बाज़ार होती है, मॉल होते हैं, सब में मिल जाएगा ये आपको, बनिया की दुकान पे भी मिलता है ये आपको, इसके पाउच भी मिलते हैं, पाउच चाहे तो आप पाउच भी ले सकते हैं। पैरी पैरी मसाला हमने इसमें डाले, और अदरक लहसुन और नींबू और वो सब बस यही डाले,
अगर आपको और स्पाइसी खाना है, अगर आपको और स्पाइसी खाना है तो आप मिर्ची उर्ची डाल सकते हैं इसके अंदर। हमने काली मिर्ची डाले, बच्चों के हिसाब से बना रहे थे, थोड़ी मिर्ची कम रखी में डाल देंगे। ये देखिए ये टूथपिन है, ये हमने लिए डब्बा, अब इसमें से एक एक निकालेंगे। ये बोटी उठाएंगे, अब इसको पहले इसको एक एक ये लगाएंगे शिमला मिर्ची, फिर एक बोटी लगाएंगे। ऐसे ऐसे लगा के इसमें रखते जाएंगे। ऐसे ऐसे लगा लगा के ये हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सब बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने ये सब बना के रख दिए, इसको तिनके में डाल के रख दिए दूध पिन में। अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गैस चालू कर दिए, फ्राई पैन चढ़ा दिए और तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कांदी उठा के डालेंगे। इसमें दायरा मानी रखनी, ये तल रही है। ये जब तल जाएगी निकालेंगे फिर आपको। अब ये बनाइएगा, अच्छी बनती है। हमारे पोतों ने आज अभी तो पूरे रोजे चल रहे बड़े पोते के, तो उसने फरमाइश किया कि दादी ये बनाओ। बड़ा पोता छोटे पोते दोनों की वजह से हम ये बना रहे, तो आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तल गए, अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरीके से हम सब तल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी चिकन कांडी तैयार हो गई। और ये देखिए दोनों पोते हमारे, इन लोग की आज फरमाइश थी, इनके पूरे रोजे चल रहे और इनका आज छठा रोजा है छोटे पोते का। कि दोनों ने आज घर में हमसे जिद करके ये बनवाए हैं कि दादी ये बनाओ, तो हमने कहा आप लोग के साथ भी ये डिश शेयर कर ले, तो आपको भी दिखा दिया हमने। अब लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग की मदद की जरूरत है, आप लोगों की मदद की जरूरत है। ये हट ही नहीं रहे। हम आपको अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।